मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI यानी TFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर DM ने की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। दरभंगा NIC में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी, सभी नोडल पदाधिकारी एवं सहायक नोडल पदाधिकारी के साथ निर्वाचन कार्यों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा की तैयारी के संबंध में बारी बारी से फीडबैक प्राप्त किया तथा संबंधित पदाधिकारी को दिए कई आवश्यक निर्देश। बैठक में उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 5 दिनों के अंदर सभी मतदाता पर्ची को घर घर जाकर वितरण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो BLO अपने क्षेत्र में मतदाता पर्ची का वितरण ससमय नहीं करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदाता पर्ची वितरण में भेदभाव करने वाले संबंधित BLO पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता पर्ची का सत्यापन आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदियों से कराना सुनिश्चित करें। मतदाता पर्ची वितरण में अनियमितता पाए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाता पर्ची वितरण में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दरभंगा जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में स्वीप के तहत अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देश में प्रतिदिन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्वीप के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 20 अप्रैल को जिले के दरभंगा सदर प्रखंड अंतर्गत लो VTR बूथ संख्या 123 दूध फैक्ट्री लक्ष्मी सागर, पश्चिमी भाग बूथ संख्या 124 दूध फैक्ट्री लक्ष्मी सागर, पूर्वी भाग एवं बूथ संख्या 114 महाराज महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय दरभंगा में विभिन्न ग्राम संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सैकड़ों जीविका दीदियों द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में बूथ संख्या 121 प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी सागर पूर्वी भाग दरभंगा के क्षेत्र की जीविका दीदियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त चारों बूथ 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत, 83 दरभंगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। यहाँ 13 मई को मतदान होना है। वरीय उपसमाहर्ता बृषभानु कुमारी चंद्रा एवं जिला परियोजना प्रबंधक जीविका डॉक्टर ऋचा गार्गी के नेतृत्व में जीविका दीदियों ने भव्य आकर्षक रंगोली का निर्माण कर तथा संकल्प सभा व संगोष्ठी का आयोजन कर तथा जन जागरूकता रैली के माध्यम से मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान करने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया गया। 5 दिनों तक प्रचंड लू की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। आज 20 से 24 अप्रैल तक दरभंगा में लोगों को तेज धूप और लू का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पूसा के पूर्वानुमान के अनुसार 20 से 24 अप्रैल तक जिलों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकेंगे। इस अवधि में मौसम के पूरे शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगले 3 दिनों तक प्रचंड लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 14 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया गर्म हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता
आर्द्रता सुबह में 60-70% तथा दोपहर में 30-40% रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों से गेहूं एवं अरहर की कटनी तथा दौनी प्राथमिकता देकर संपन्न करने को कहा है। खड़ी फसलों में सिंचाई के समय में करने गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी, कद्दू और खीरा की फसल में आवश्यकता अनुसार गर्मी और नमी बनाए रखने के लिए दुधारू पशुओं को सूखे चारा की मात्रा कम दें और दाना की मात्रा बढ़ा दें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, बल्लोपुर, लहेरिया सराय, दरभंगा। A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. बिहार की चार सीटों पर मतदान का गिरा औसत, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट पर कुल 48.23% वोटिंग, पिछले चुनाव से 5% कम हुआ मतदान। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की चार सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा एवं जमुई में मतदान का औसत गिर गया है। इन सीटों पर शुक्रवार को हुए मतदान के दौरान पिछले लोकसभा चुनाव से 5% कम वोटिंग हुई है। इन सभी सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान औसतन 53.47% मतदान हुआ था, जबकि इस बार के चुनाव में इन चारों सीटों पर औसतन 48.23% मतदान हुआ। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कम मतदान का प्रमुख कारण गर्मी का अधिक होना बताया। उन्होंने कहा कि गर्मी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सभी मतदान केंद्रों की जांच कराई गई थी, वहां धूप से बचाव के उपाय भी किए गए थे, लेकिन अधिक संख्या में मतदाता मतदान के लिए नहीं पहुंचे। 39 years ऑफ सर्विस, बिल्ड योर चाइल्ड फ्यूचर हियर, डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल, डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशन आर फ्री। बीपीएससी ने जारी किया कैलेंडर, प्रधान शिक्षक परीक्षा 13 जून को, तीसरे चरण की रद्द परीक्षा 10 से 12 जून के बीच होगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शुक्रवार को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर के अनुसार तीसरे चरण की रद्द शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 से 12 जून के बीच होगी। इस चरण में 87,774 शिक्षकों की भर्ती पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए होनी है। सभी वर्गों के लिए अलग अलग सीटें हैं। बता दें कि 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाने की वजह से इसे रद्द करना पड़ा था। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई तक जारी हो सकता है। इसके अलावा 40,247 से अधिक पदों के लिए निकला प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा भी जून में ही होगी। 13 जून को प्रधान शिक्षक तो 14 जून को प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा होगी।